गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। आई विल टीच टुडे एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेसन थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 3.4 को हम यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग को अभी बताए जा रहे हैं। पे अटेंशन, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गौर कीजिएगा, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मींस क्या होता है? इनर्ट सेल। क्या होता है? इनर्ट सेल। ये इनर्ट सेल फाइंड करने के लिए कर रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, मतलब इनर्ट सेल फाइंड करने के लिए कह रहा है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कौन रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है? तो फर्स्ट क्रोमियम इलेक्ट्रोड है प्लस कैडमियम इलेक्ट्रोड है उस सेल में, गैल्वेनिक सेल में। क्रोमियम प्लस कैडमियम आयरो क्रोमियम आयन प्लस कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है आयरन इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसमें आयरन कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में और सिल्वर सॉलिड में चेंज हो रहा है। ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, रिडक्स रिएक्शन है जिसमें वैल्यू दी हुई है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। गौर कीजिए कितना दिया हुआ है आपका -0.474। क्लियर है? क्रोमियम का, कैडमियम का भी दिया हुआ है, सीडी का -0.4। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए भी ये वैल्यू दी हुई है। जस्ट लाइक आयरन का भी दिया हुआ है वैल्यू, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0.77। सिल्वर के लिए भी दिया हुआ है। तो दोनों रिडक्स रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल्स है इसमें गिवन है। हम लोग फाइंड क्या करना है? तो पहले तो फाइंड करना है इनर्ट सेल, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा फाइंड करना है आल्सो कैलकुलेट क्या डेल्टा आरजी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करना है, और थर्ड में कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इसको भी फाइंड करना है। थ्री चीज फाइंड करना है, इनर्ट सेल, क्लियर है, उसके बाद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इसको भी फाइंड करना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी फाइंड करना है। थ्री क्वेश्चन है जो कि इसमें से हमको फाइंड करने हैं। रिएक्शन गिवन है ही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सभी इलेक्ट्रोडों का, फोर इलेक्ट्रोड है, फोरों का यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इनर्ट सेल, इनर्ट सेल फाइंड हो जाएगा, उसके बाद डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड कर लेंगे इनर्ट सेल से, और उसके बाद लास्ट में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वही डेल्टा आर जी इक्वल माइनस 2.303 आर टी लॉग के से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि तीनों को फाइंड करने के लिए कौन कौन से थ्री फॉर्मूले यूज करने हैं, उसी पर हम ध्यान देते हैं। आइए बस वन मिनट, तो क्या क्या फाइंड करना है ऑलरेडी आप लोग पता लग ही चुका है। फाइंड हम लोग करना है ई सेल, फर्स्ट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे ई नॉट सेल इक्वल, ई नॉट सेल फाइंड करना है, तो ई नॉट सेल
इक्वल हो जाएगा ई नॉट के थोड माइनस ई नॉट ए नोट। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये दिख रहा है तो रिएक्शन भी दिख रही होगी। इसमें हम कैथोड किस इलेक्ट्रोड को कंसीडर करेंगे? तो कैथोड किसको, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। अब इसमें हम लोग गौर करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। तो क्रोमियम कोई चार्ज नहीं है, क्रोमियम आयन में कौन हो रहा है, थ्री प्लस में, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो क्रोमियम इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैडमियम प्लस है, यहाँ पर न्यूट्रल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टेक कर रहा है, तो कैडमियम पर रिडक्शन हो रहा है। तो कैडमियम कैथोड हो जाएगा और क्रोमियम एनोड हो जाएगा। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेंगे हम लोग, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लीजिए। इसमें वैल्यू दी हुई है, ठीक ना, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए कैथोड कौन सा कैथोड है इसमें, कैडमियम, तो कैडमियम का दिया हुआ है वैल्यू माइनस 0.40 माइनस कैडमियम का दिया हुआ है। और एनोड क्या है भाई, तो क्रोमियम है, तो क्रोमियम की भी वैल्यू दी हुई है आपका ब्रैकेट में माइनस 0.74। कोई सस्पिशन नहीं, सॉल्व कर लीजिए, आपका माइनस 0.40 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.74। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ये क्या हो गया, ई नॉट सेल। क्लियर है, ई नॉट सेल आ गया आपका, ठीक है ना। तो पहले तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया। अब इसमें ये भी कह रहा है कि डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड भी फाइंड करना है और केसी भी फाइंड करना है। तो ये फाइंड हो गया। अब इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग कितना है ध्यान में रखेंगे, 0.34 वोल्ट ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल 0.34 वोल्ट को जो है कि फाइंड कर लिए। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कितना है ई नॉट सेल इक्वल आपका आ गया है प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन लाके लिखेंगे डेल्टा आर जी इक्वल, क्या फॉर्मूला हमारे पास था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आइए एन कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन हो रहा है, देखिए आप टू क्रोमियम है ना, कोई चार्ज नहीं है, एक क्रोमियम पर कितना चार्ज कर रहा है, थ्री, मतलब कि वन क्रोमियम थ्री इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तभी थ्री प्लस है। तो टू क्रोमियम है, तो टू क्रोमियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वन थ्री कर रहा है तो टू सिक्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सिक्स। तो इन के प्लेस पर क्या लिखेंगे, सिक्स इन टू फैराडे कांस्टेंट 9,096,500। क्लियर, इन टू इनर सेल हमारे पास सही है ये 0.34 वोल्ट। तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल, अब सॉल्व कीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए तो क्या रहा है आपका 19,6,860 कूलाम वोल्ट पर मोल आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद।
अब हम इसको चेंज भी कर भी सकते हैं, इसमें 196.86 किलो जूल पर मोल में। गौर कीजिए, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया, क्या फाइन हो गया, तो ये हमारा हो गया डेल्टा आर जी। इनर सेल फाइन ही कर लिए, फर्स्ट कैलकुलेट के लिए करने के लिए कह रहा है, ये पहला हमारा हो गया, सेकेंड भी मिल गया आपको, क्या निकल गया डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इक्वल कितना आ गया 96860। ये फाइंड कर लिए, ठीक है। अब फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कीजिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड इक्वल माइनस 2.303 आर टी लॉग की, ठीक है, ये दिया हुआ है, वैल्यू रख लीजिए कितना है 19.6860 इक्वल माइनस 2.303 आर की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, आर की वैल्यू है 8.31 और टी की वैल्यू 298 हो जाएगा लॉग के, क्लियर है। अब इसको इंटू कीजिए 96860 इक्वल माइनस, अब सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 5705.848316 लॉग के। इतने को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब हम लॉग के इक्वल इतना बाय इतना कर देंगे, इतना बाय कितना 96860 बाय 57.05.848316 डिवाइड कर दीजिए तो आएगा आपका लॉग की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आएगी 34.501 इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हम के इक्वल एंटी लॉग, एंटी लॉग ले लेंगे कितने का 34.5014 का, तो के इक्वल आ जाएगा आपका, ये तो पावर हो जाता है एंटी लॉग लगते हैं, तो ये जो रहता है डेसिमल वाला इसको 10 पर पावर हम कर देते हैं 34। अब 50 का 14 में हम चेक करेंगे एंटी लॉग तो आपको मिलेगा 3.17, ठीक है। इसका एंटी लॉग देख लेंगे कितने का, कितने का तो आएगा 173। ये हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर 34, ठीक है। अब चूंकि 2 प्लस है तो इसमें से 1 माइनस करते हैं, 1 प्लस है तो 1 प्लस यहाँ डिसमिल हो कट कर देते हैं, तो के इक्वल आ जाएगा 3.2 × 10 पावर 30। तो ये हमारा पहला जो दिया हुआ है उसका जो है कि ये हो गया, ठीक है ना। अब जस्ट लाइक दूसरे वाले के लिए भी हम
फाइंड कर लेंगे, दिख रहा है ना, क्लियर है। तो दूसरे वाले के लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो आते हैं हम दूसरे वाले के लिए, देखते हैं। अब इसमें भी फाइंड करेंगे यू नॉट सेल इक्वल यू नॉट कैथोड माइनस यू नॉट एनोड। वैल्यू जानते हैं, इसमें कैथोड कौन होगा, जिसका रिडक्शन कौन रिड्यूस हो रहा है भाई, एजी रिड्यूस हो रहा है एजी में, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। और ये एसिडाइज रखे से कि टू है, टू से वन लेकर नॉट रिलीज कर दिया तो प्लस थ्री में आ गया। तो सिल्वर कैथोड है तो सिल्वर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.80 माइनस लगा देंगे ब्रैकेट में। और आयरन का कितना दिया हुआ है, 0.77, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 0.80 माइनस 0.77 माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0.03 वोल्ट। ये आपका आ गया, जानते हैं क्या, ये वैल्यू आ गई आपका, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, तो 0.03 वोल्ट एक हो गया। अब निकालेंगे कौन सा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर है, तो दूसरा है आपका क्या, दूसरा है भाई, तो दूसरा है आपका डेल्टा आर जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल निकालिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों का चेंजिंग टू से थ्री हो रहा है, तो वन माइनस ये आपका हो जाएगा वन, रहने का 96,500, ठीक है, इंटू इनर सेल कितना है, 0.03 वोल्ट। सॉल्व कर देंगे तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2895 कूलाम वोल्ट पर मोल, या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना, तो ये आपका मिल जाएगा, ये हो गया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और फाइंड करना है कि, तो दो चीज हमको फाइंड हो गई, एक तो ये मिल ही गया है और दूसरा मिल गया आपका 2895, ये वैल्यू मिल गई, क्लियर है ना। और फाइंड करना है हमें कि क्यों फाइंड कीजिए, तो आते हैं देखते हैं आपको कैसे फाइंड करेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं के लिए डेल्टा आर जी नॉट इक्वल माइनस 2.303 आर टी लॉग के, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 2895, क्लियर है, 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 इंटू टी का 298 केल्विन इंटू लॉग के। आप सॉल्व कीजिए, माइनस 295 इक्वल, और सॉल्व कीजिए इसको,
तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका 57.03.103 log k। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अब log k इक्वल इतना बाई इतना करेंगे तो 2895/5703.103 डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करेंगे तो आएगा लॉग की इक्वल और डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5761 ये लॉग की मिलेगी। तो की इक्वल एंटी लॉग कितने का 0.5071। इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हम एंटी लॉग लीजिए तो के इक्वल अब एंटी लॉग लेंगे तो 50 के 7 में हम लोग देखते हैं 50 के 7 में मेन डिफरेंट 7 देख लेंगे तो 50 के 7 में देखेंगे तो आपको मिलेगा 3214 ये वैल्यू मिलेगी 57। अब हम चूंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो 1 पॉइंट इस पर कट कर देंगे तो ये आपके आ जाएगा आंसर। ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेंशन व्हाट आई से।